हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है दिल्ली दर्शन का 8th एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के जितने भी एपिसोड थे नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और मैं आज जा रहा हूँ पुराना किला, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहुंच गए पुराना किला। ये इसकी पार्किंग है, या आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो या चिड़ियाघर की पार्किंग में भी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और टिकट के लिए आपको सामने QR कोड मिल जाएगा जिसका आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। और मैंने बहुत वीडियो में बताया आप कैसे अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो वहाँ पे भी आपको काउंटर मिल जाएगा। चलो टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। ओके, पुराना किला में 3 गेट थे, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। और ये सबसे मतलब ये वेस्टेस्ट गेट है जो एंट्री के लिए यूज़ होता है। और वहाँ पर एंट्री हुई, बट वहाँ पर पता नहीं कैमरा ऑन करने को क्यों मना करते हैं इंडिया में ऐसी जगह पर, तो वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं कर सका था। अब चलते हैं अंदर। ये इसका एंट्री गेट है। ओके, पहुंच गए किले के अंदर। और इस किले के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपको 3 गेट मिलते हैं बड़े बड़े, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। और एक आपको यहाँ पे मस्जिद मिलती है, बाकी एक म्यूज़ियम है, बाकी आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे प्लांटेशन है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इस फोर्ट के अंदर। ओके, ये है नॉर्थ गेट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पुराना किला में 3 गेट थे, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वैसे तो आप इस इंफॉर्मेशन का क्या ही करोगे, बट ये नॉर्थ गेट है। अभी लेक जाएंगे तो इसके पीछे की तरफ लेक है, वो दिखाऊंगा अभी मैं। ओके, ये जो पुराना किले की जो सारी दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, जो बाहर वाली मेन वॉल्स होती हैं, वो 2.4 किलोमीटर में फैली हुई है इसकी सारी ये वॉल्स। ओके, ये है वो मस्जिद जिसकी बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था। और इस मस्जिद का नाम है किला एक कू है ना मस्जिद, जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने 1541 में। ये है पुराने किले का तीसरा दरवाज़ा जिसका नाम हुमायूं दरवाज़ा है। और ये काइंड ऑफ डबल डोर है, मतलब नीचे भी गेट था और ऊपर की तरफ भी गेट था, और इससे सारे VIP वगैरह आते थे। और ये है साउथ गेट। ओके, मैं बाहर आ चुका हूँ अब। और बाहर आने से पहले जो अंदर म्यूज़ियम है वो भी मैंने घूम लिया, बट वहाँ पे परमिशन नहीं थी रिकॉर्ड करने की, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका। अब दोबारा से टिकट लेते हैं लेक की, जो पुराने किले के साइड में जो लेक है, अब चलते हैं वहाँ पर। ओके, ये है लेक जो पुराना किले के साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर जैसे मेन गेट में आप एंट्री लोगे, 20 रुपये की इसकी टिकट है। और लेक में बोटिंग बंद हो चुकी है, आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई बोट नहीं है, मतलब कोविड की और उससे पहले से ही बोटिंग इसमें बंद हो चुकी है। सिर्फ आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, अगर वेदर ठीक है सब कुछ तो। बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इस लेक में। ओके, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं फूड कोर्ट, क्योंकि अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। ओके, ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड वैरायटीज़ मिल जाएंगी, और प्राइस भी नॉर्मल ही है।
और सीटिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो आप इजीली आराम से यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। ओके चलो कैफेटेरिया के बाद चलते हैं अब ज़ू के अंदर। ये ज़ू की पार्किंग है, जो पहले आपको पार्किंग दिखाई थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, वो थी अच्छा पुराना किले की। ये ज़ू की पार्किंग है और जो ज़ू की जो टिकट है वो इस टाइम सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। 80 रुपये की पर है टिकट है इंडियंस के लिए, और जो वो भी कुछ लिमिटेड है इस टाइम पे, 3000 के अप्रॉक्स है। दो शिफ्ट में मिलती है, एक आफ्टरनून तक मतलब 12 बजे तक और एक 12 बजे के बाद तक। तो चलो अंदर चलते हैं। ओके एंट्री मिल गई, ये है इसका एंट्री गेट। कुछ नहीं करना है एंट्री पे, आपकी नॉर्मल चेकिंग होगी और आपकी जो टिकट में जो QR कोड होगा वो स्कैन करके आपको एंट्री मिल जाएगी। DSLR GoPro कोई चार्जेस नहीं है उसके, अगर कोई इनकेस बड़ा कैमरा होता है या अलग से शूटिंग करनी है तो उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं। आज फिर से वेदर अच्छा है, बट आज ह्यूमिडिटी नहीं है। जैसे मैंने वेस्ट टू वंडर वाली वीडियो में बोली थी कि वेदर अच्छा, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी थी। अभी तक कोई गर्मी फील नहीं हो रही है, अच्छा वेदर है। सुबह सुबह का मॉर्निंग के टाइम पे आ जाओ, क्राउड भी नहीं है। और मेरे को आदत है कि बिना क्राउड के शूट करने की, ताकि मैं अच्छे से शूट कर सकूँ यहाँ पर। ओके आपको पता नहीं कैमरे पे पता नहीं चल रहा होगा, बट मेरे आंखों से देख सकता हूँ अंदर की तरफ, मेरे को हिरन दिख रहे हैं। उस साइड से आऊँगा तो मेरे को इजीली दिखेंगे जब मैं घूम के आऊँगा पूरा, अभी तो ये अंदर की तरफ है काफ़ी। ये आपको दिख रहा मेरी फिंगर के आगे, ये है शेर पूछ बंदर। ओके जो अभी तक हमने नॉर्मल अपनी लाइफ में जो हमेशा से बंदर देखे हैं वो बोनट बंदर होते हैं वहाँ पे, वो रहे। आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाले जो हम हमेशा से ये वाले बंदर देखते हुए आ रहे हैं, इनका जो वैसे नाम है वो है बोनट बंदर। एक वो रहा और एक वहाँ पे है और एक वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तीन ही है ना? एक दो नहीं, उधर भी है। हाँ एक वो बैठा हुआ, मैं जूम करता हूँ, साइड आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ पे बैठा हुआ है, दो वहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ पे हैं बिल्कुल एंड में, आपको दिख रहे होंगे सारे। ओके इस साइड से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, एक तो आ रहा है, बाकी सारे बहुत सारे झुंड में वहाँ पे। चिड़िया घर की एंट्री में स्टार्टिंग में आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बंदर और हिरन वगैरह सारा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके आपको दिख रहे होंगे स्पॉटेड डियर, इनकी बॉडी के ऊपर वाइट वाइट निशान है वाइट कलर के, इसीलिए स्पॉटेड डियर हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डियर्स।
पता नहीं आपको कैमरे पे कितना अच्छे से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा वो हो रहा वहाँ पे। ओके, ये पूरा बर्ड्स का सेक्शन है। अभी मैं आपको वहाँ पे दिखाया था, जितनी सारी फुटेज दिखाई मैंने, ये इधर जाके भी हैं, मैं एक एक तो नहीं दिखा सकता, यहाँ पे भी हैं, इधर भी हैं, बहुत सारी। एक्चुअली मैं हर कुछ तो नहीं दिखा सकता आपको, जो मेरे को अच्छी लग रही है, जो देखने में थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इंसानों को कूलर नसीब नहीं हो रहा, और यहाँ पे पंछियों को यहाँ पे पंखा लग रहा है। एक कूलर वहाँ पे लग रहा है, एक कूलर वहाँ पे लग रहा है, मे बी शायद इनको थोड़ा ठंडे में रहने की आदत हो। एक यहाँ पे नीचे है, एक वोरा और दो वोरे। ये रहा गेंडा, पानी में अंदर चला गया, इसलिए मेरे को फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है ताकि मैं क्लोज़अप शॉट ले सकूं। के ज़ू के अंदर आपको कैंटीन, पीने के लिए पानी और वॉशरूम इजीली 400-500 के मीटर के डिस्टेंस पे इजीली आपको मिल जाएगा। और वेदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, अच्छा है और क्राउड भी नहीं है। अभी सुबह के टाइम पर ज़ू इतना बड़ा है कि क्राउड होगा भी तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी खास। अभी तक हाथी दिख गया है, बहुत सारे टाइप्स के हिरन वगैरह मेरे को दिख गए हैं। अभी देखते हैं आगे, मेरे को गेंडा भी दिख चुका, मैं आपको दिखाई चुका हूँ, और अभी देखते हैं आगे मेरे को हमको लॉयन दिखता है कि नहीं दिखता है। कि वो है सारे एनिमल्स का हॉस्पिटल, इन केस किसी को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे इलाज होता है। ये फूड एरिया है, यहाँ से जितने भी एनिमल्स को फूड सप्लाई होता है यहाँ से होता है। दिखाऊं क्या दिखा अभी हमको, दिखाता हूँ। ओके, जैगुआर वहाँ पे, आप पता नहीं आपको, एक मिनट में जूम करता हूँ, वहाँ पे सो रहा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे सो रहा है जैगुआर आराम से, आफ्टरनून का टाइम है। ओके, एक वहाँ पे सो रहा था और दूसरा ये रहा। भेड़िया आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक वो एक वहाँ पे है वो रहा, एक ये रहा। ओके, वाइट टाइगर, ये मेरी फिंगर का है यहाँ पे, वो दिख रहा पेड़ के पीछे, काफ़ी दूर है इसलिए क्लोज़अप करना पड़ रहा है।
देखिए ये है भालू, अभी इसका फेस दूसरी तरफ हो रखा तो आपको इतना अच्छे से पता चल नहीं रहा होगा। दो हाथी है रे, ये भारतीय हाथी हैं, भारतीय। ओके आप जू इसमें बैठ के भी घूम सकते हो, ये आपको एक एक जगह पे ड्रॉप कर देंगे, फिर आप वहाँ पे घूमोगे, फिर ये वापस आपको पिक करके दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। एंट्री वहाँ से हुई थी, एग्जिट इधर, चलो बाहर पार्किंग में। ओके हमने एग्ज़िट कर लिया है और अब आप देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा हो गया है। मॉर्निंग के टाइम पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है। ओके सो दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमको पूरा जू कवर करने में 3 घंटे के करीब लग गए हैं और मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हो जू आने का तो या तो एक दिन पहले टिकट बुक कर लो अपनी या अर्ली मॉर्निंग टिकट बुक कर लो और 11-12 बजे तक मैक्स आ जाओ, क्योंकि अगर आप उससे बाद में आओगे और अगर आपने टिकट बुक नहीं कर रखी है तो मे बी चांसेस हैं कि आपकी जो टिकट्स हैं वो फुल हो जाएंगी। और जो जू है वो डेफिनेटली आने वाली जगह है, मैं तो मतलब लास्ट टाइम 2004-05 में आया था, उसके बाद अब आ रहा हूँ, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। फैमिली के साथ आप आ सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पुराना किले की और जू की। अगर आप आ रहे हो तो पुराना किला भी जा सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।